मीडिया चैनल के माध्यम से। और कितने मैडम से अभी हम बात करेंगे। मैम, कितने मिनट का कार्यक्रम, कितने मिनट का मैच होता है? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जींद में आज हमारी टीम पहुंची है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार चारों तरफ घुमा करके दिखाएं कि ग्राउंड पर हमारी टीम पहुंची है, जहां पर फुटबॉल बच्चे अभी थोड़ी देर में खेलेंगे। और स्टाफ है, एक बार पहले नाम पूछ लेते हैं। सर, क्या शुभ नाम आपका? प्रवीण बोरा। प्रवीण जी, क्या पोस्ट आपकी यहाँ यूनिवर्सिटी? मैं कलर्क की पोस्ट पे हूँ सर। क्या डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन? किस तरह का आज का कार्यक्रम है यहाँ पर फुटबॉल को लेकर के? फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। पिछले शनिवार को क्रिकेट का करवाया था, अब की बारी फुटबॉल का है। आगे अगले शनिवार को कुछ और गेम लेके आएंगे बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का थोड़ा मोरल जो पूरे हफ्ते पढ़ के डाउन हो जाता है, वो थोड़ा अप हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। सर, क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर मुकेश, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जी जी, मुकेश जी, किस तरह का यह कार्यक्रम रहेगा? सुनने में आता कि इंट्रामुराल जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट है यहाँ पर, आगामी भविष्य में क्या फ़ायदा होता है इसका और किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इस खेल के बारे में बताएंगे सर। जी सर, जैसे आपने कहा कि इंट्रामुराल का जो एडवांटेज है वो बच्चों के लिए क्या है। जी जी, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हैप्पीनेस मोड है जी जी, वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है जी, और उसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो काम करता है। क्योंकि एकेडमिक एनवायरनमेंट इतना इम्प्रूव हो चुका है कि हर बच्चे के ऊपर उसका बहुत प्रेशर है। ठीक है, तो शनिवार एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें हम 5 दिन में जो उनका एकेडमिक एनवायरनमेंट इतना स्ट्रेसफुल था उसको रिमूव किया जाए, उस स्ट्रेस को थोड़ा कम किया जाए, जिससे हैप्पीनेस का जो मोड है वो इंक्रीज हो और बच्चा अपनी मेहनत पूरी तरह से और लगन से कर सके। बिल्कुल, तो ये सप्ताह में एक दिन होता है हर शनिवार को? नहीं, ये ऐसा है कि हम हर शनिवार को ऑर्गेनाइज करते हैं और डिफरेंट गेम के ये टूर्नामेंट्स होते हैं। और इससे एक फ़ायदा और भी है कि बच्चों के अंदर जो है उनकी फिजिकल फिटनेस भी डेवलप होती है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट उनकी मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये हर शनिवार को किया जाता है और इससे साथ में जो कैंपस का एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी होता है, क्योंकि और बच्चे भी इसको देखते हैं तो शायद इसको देख के वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका फायदा सभी को होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। कहते हैं कि शारीरिक विकास होता है तो उसका मानसिक विकास भी होता है, और खेल खेलने से शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक जो बदलाव होता है उसके अंदर एक परिवर्तन होता है। तो दूसरे जो खिलाड़ी देखते हैं उनके अंदर भी एक मन के अंदर लगन होती है कि हम भी खेलें। जो तो दूसरे छात्र छात्राएँ हैं उनके मन के अंदर भी यही होता है कि हम भी खेल खेलें, और खेल खेलने से मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर विकास होता है। सर, क्या शुभ नाम आपका? सर, डॉक्टर नवीन। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ स्टेडियम में आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? सर, आपने देखा हुआ स्टार्टिंग से ही बच्चे कितनी खुशी के साथ और कितनी यूनिटी के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे। बिल्कुल, ये दो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एम्पेड और एम्पेड फर्स्ट के अंदर ये मैच हुआ था। एक दूसरे के साथ कितना कंपटीशन के साथ, वैसे भाईचारे के साथ सभी इकट्ठा खेलते हैं, बिल्कुल, पर एक दूसरे के साथ यहाँ ग्राउंड में कंपटीशन के साथ खेल रहे हैं, यूनिटी के साथ, भाईचारा बढ़ रहा है इनसे जी, और यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट। बिल्कुल, थैंक यू सर। नवीन सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विकास है जी, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी, और इस टाइम इंचार्ज हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जी। सर, जो ये इंट्रामुराल टूर्नामेंट होता है ये एक इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, और एक इंस्टीट्यूशन के जो चार दीवारी के अंदर जो बच्चे हैं उनका उनको स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए उनका कंपटीशन करवाया जाता है, और जो 5 दिन जो क्लास होती है उसका एक जो साइकोलॉजिकल रूप से जो बच्चे के ऊपर पढ़कर जो इफेक्ट पड़ता है उसको, जो एक स्ट्रेस होता है उसको रिलीव करने के लिए इंट्रामुराल टूर्नामेंट उसमें अहम रोल अदा करता है। बिल्कुल, तो जो इंट्रामुराल टूर्नामेंट होता है हम वीकली हर सैटरडे को करवाते हैं, और हर सैटरडे को कोई ना कोई नया गेम होता है। जैसे पिछली बार क्रिकेट करवाया था हमने, और अब की बार है फुटबॉल, तो नेक्स्ट हमने सोचा है हम कबड्डी का रखेंगे। और इंट्रामुराल टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में अहम रोल अदा करता है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से अपनी चार दीवारी से ही सीखते हैं जो कुछ सीखते हैं। तो इस जो टूर इस इंट्रामुराल की जो अहम जो योगदान है वो बच्चों का जो स्पोर्ट्स के प्रति जो रुचि है उसको एक डेवलप करने में बड़ा अहम रोल अदा करता है इंट्रामुराल टूर्नामेंट।
थैंक यू सर। और मैं सभी हमारे जो डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो काफ़ी रूप से अच्छे रूप से और बहुत मतलब 100% कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जी जी, थैंक यू विकास जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेश देशवाल है जी। क्या पोस्ट है सर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर? मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर आज जो कार्यक्रम है, जैसे विकास जी ने बताया, अन्य अध्यापक ने, इन्होंने भी बताया कि लगातार जैसे पाँच दिन होते हैं बच्चे पढ़ पढ़ करके बोर हो जाते हैं, उसको लेकर के शनिवार को यदि खेलों के प्रति उनका ध्यान होता तो शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी वो खुश भी रहते हैं और उनका विकास भी होता शरीर का भी, और एक अलग से एक जीवन के अंदर कहते हैं खुशियाँ मिलती हैं खेल को खेल करके। क्या कहना चाहेंगे सर? इंट्रामुरल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो हमारे जो करिकुलम है NCT के द्वारा बनाया गया है उसका हिस्सा है। जी जी। और थ्योरेटिकल जो क्लास है, थ्योरी की जो हम क्लास रूम में लेते हैं, और जो प्रैक्टिकल है वो ग्राउंड पे करके दिखाया जाता है। बिल्कुल। और जो थ्योरी की क्लास का जो बच्चों को हम रूल रेगुलेशन और टेक्निक के बारे में जो ब्लैक बोर्ड पे और PPT पे दिखाते हैं, उसको हम असली जामा जो है वो ग्राउंड में जो है खिला करके उसको दिखाते हैं कराते हैं। और ये करिकुलम का पार्ट है और बच्चे की जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों के लिए ज़रूरी है। दूसरा, ये बच्चे जो हैं ये टीचर बनेंगे। जी, ये DPED और BPED के स्टूडेंट हैं, MPED के स्टूडेंट हैं। जी, ये लेटर ऑन जा करके बाद में टीचर बनेंगे, तो इनको जो फिजिकल के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रैक्टिकली जो है इनको करा के दिखाया जाता है, आपको क्लास में सिखाते हैं उसी को प्रैक्टिकली सिखाना जरूरी है। कहते हैं कि 50% नॉलेज प्रैक्टिकल और 50% थ्योरिकल होना जरूरी है। तो वो तैयारी आप ट्रेनिंग जो वो यहाँ पर दे रहे हैं, इसे आने वाले जो समय भविष्य में इनका जो भविष्य है वो अच्छा रहेगा, इनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी यहाँ यदि आप प्रैक्टिकली इनको सिखाएंगे तो। जी, क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो ग्राउंड में जब बच्चा खेलता है तो उसका जो अराउजल है, एंजाइटी लेवल है, वो उसको हम देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो है बच्चा किस स्पीड से, किस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अप्लाई करता है अपनी स्ट्रेंथ को, वो सारी चीज़ जो है हम देख सकते हैं। जी, थैंक यू देशवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। सर क्या शुभ नाम आपका? अतुल सारन। अतुल सारन जी, क्या कहना चाहेंगे खेलों को लेकर के अन्य अध्यापकों भी, जैसे आपने बात सुन ली है तो सर लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया यूनिवर्सिटी के अंदर, हर शनिवार को यहाँ पर यह कार्यक्रम होता है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ग्राउंड मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में पहुँचने पर। जी जी। और मैं भाई अजय भारद्वाज जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और इन्होंने अपना इतना कीमती समय हमारे बच्चों के और हमारी फैकल्टी के लिए दिया। थैंक यू सर। तो फिजिकल एजुकेशन में क्या है, शारीरिक शिक्षा में बच्चा ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल में सीखता है, जितना भी बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा इसमें गेम के दौरान तो वो बच्चा ज्यादा सीखेगा। थ्योरी में हमने एक बार मान लो बच्चों को कुछ बता दिया तो वो कुछ समय के पश्चात तो भूल जाता है, परंतु जब बच्चा खुद किसी काम को करके देखता है तो उसमें बच्चा उसको लंबे समय तक याद रखता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इसमें इंट्रामुरल जो कंपटीशन हमारा जो हुआ था पहले क्रिकेट का था, उसमें MPED फर्स्ट ईयर ने ट्रॉफी उठाई थी और अब की बार हमने फुटबॉल का ये ऑर्गेनाइज किया इंट्रामुरल कंपटीशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट विचार जो है कबड्डी का रहेगा, तो हर अगले शनिवार को, हर शनिवार को हम एक टूर्नामेंट करवाते हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। वो हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना, एक बार ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, कहते हैं कि पढ़े लिखे तो कढ़ावा सही हो आगरा, वो थ्योरिकल ये एक संदेश है कि भाई पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जरूरी है प्रैक्टिकल भी। कई बार क्या होता है व्यक्ति अपना विकास तो कर लेता है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन प्रैक्टिकल उसको जो वो समाज के अंदर लेकर के आता है उसका उसको फायदा नहीं होता। अभी जैसे अभी हम दिखाएंगे जो मैच होने वाला है फुटबॉल का मैच, ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को हम दिखाएंगे, इन्हीं में से आने वाले समय में बच्चे खेलों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, इन्हीं से कोई टीचर बनेगा, कोई योगा का, कोई कैसे कैसे अलग DPED BPED जो होता है, तो अभी इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह है इसी का बहुत फ़ायदा मिलने वाला। अभी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर हमने ग्राउंड मीडिया की टीम ने हमने दिखाया कि बच्चों का जो हर इंट्रामुरल जो फुटबॉल टूर्नामेंट होती है, अध्यापकों से हमने पूछा है, यह हर शनिवार को होता है, खास तौर पर इनका उज्जवल भविष्य के लिए भी थ्योरिकल को प्रैक्टिकल में किस प्रकार से किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या होता है, इसको लेकर के हमारा आज ग्राउंड मीडिया का खास कार्यक्रम था। और इसी प्रकार से इस समय दिखाना चाहेंगे हम कि ग्राउंड मीडिया की टीम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में मौजूद है और जिस प्रकार से हमने अध्यापकों से जैसे बातचीत की है इस खेल के बारे में हम दिखाना चाहेंगे चारों तरफ का जो ये गेम देखिए, हम एक बार ये गेम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। इसका गेम का नाम है इंट्रामुरल फुटबॉल टूर्नामेंट।
और जो इंट्रामुराल जो फुटबॉल जो टूर्नामेंट जो ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जो इनका सब्जेक्ट होता है छात्रों का पढ़ने का, उसका एक विषय, उस विषय के अंदर ही एक सब्जेक्ट होता है, उसी का जो भाग होता है, एक विषय का भाग होता है, उसी के अंदर इसकी तैयारी करवाई जाती है। उसी को लेकर के ये हर शनिवार को यहाँ पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम होता है। जैसे फुटबॉल का जो हम तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस प्रकार यहाँ पर जो तैयारियाँ करवाई जाती है दो टीमों के आपस में जी। और ये गोल दे दिया है, ये नीली टी शर्ट जो जिन खिलाड़ियों ने पहनी है जी। ये टीम विजयी हुई है और अभी खेल खेलने से व्यक्ति या युवा होता है, छात्र होते हैं, उनका मानसिक तौर पर विकास होता है और साथ साथ में शारीरिक विकास भी होता है। तो इसलिए जो खेलों के यदि महत्व की यदि हम जीवन में बात करते हैं तो खेलों का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन के अंदर। इसमें हमारी टीम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में मौजूद है और दिखाना चाहेंगे टोटली जो दर्शक हैं वो जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार दिखाना चाहूँगा कि मैं देखिए किस प्रकार से जो कार्यक्रम है इंट्रामुराल टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर करवाई जा रही है और हर शनिवार को यह कार्यक्रम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर यह कार्यक्रम होता है। देखिए किस प्रकार अभी प्रोफेशनल जो मैडम जो कोच है यहाँ पर और ऑफिशियल, अभी इनसे हम बात करेंगे कितने मिनट का यह कार्यक्रम होता है, ये खेल होता है, कितनी टाइमिंग होती है इसकी और कितने इसके अंदर खिलाड़ी होते हैं। देखिए जबरदस्त मुकाबला यहाँ चल रहा है, जबरदस्त तरीके से। दर्शक भी यहाँ पर जो स्टूडेंट यहीं के यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो भी काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। देखिए किस प्रकार से हम दिखाना चाहेंगे कि जो छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं वो भी इस गेम को देख रहे हैं, उनके भी ट्रेनिंग होने वाली है, वो भी इसका भाग लेंगे इस मैच का। जैसे लगभग तीन मैच होंगे इसके, इंट्रामुराल जो टीम है लगभग तीन मैच होने वाले हैं और ये टीम जो इनके बाद में इनका मैच होने वाला है, जो ये टीम मैं एक बार दिखाना चाहूँगा मैं आपको। अभी आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से ये मैच आप देख सकते हैं। इसमें चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में इंट्रामुराल जो फुटबॉल टूर्नामेंट जो कार्यक्रम में देखिए किस प्रकार से आप ये लाइव इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑफिशियल जो कोच है यहाँ पर उनसे बात करेंगे कितने टाइम होता है इस मैच का, वो आप सभी के सामने हम दिखाएंगे। और ये अच्छा दौड़ते हैं यहाँ पर विराज जी, जिसको चिंटू भी बोला जाता है। ये
संजीता और ये किक लगाते हुए दोबारा उसके पास गए। ये अब की बार जो लाल जो ड्रेस पहने हुए हैं, ट्रैक सूट जो पहने हुए हैं, इस टीम ने अब गोल दे दिया है। काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं छात्र छात्राएं। चौधरी रणवीर सिंह न्यूज़ टी के अंदर जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। और कितने मैडम से अभी हम बात करेंगे। मैम कितने मिनट का ये कार्यक्रम, कितने मिनट का मैच होता है ये? 15 मिनट का। मैडम ने बताया कि लगभग 15 मिनट का टाइम होता है इस जो खेल होता है, ये इंट्रामुराल जो फुटबॉल टूर्नामेंट होती है, ये लगभग 15 मिनट का इसका टाइम होता है। और बताना चाहेंगे कि लगभग 7 मिनट हो चुकी है और अभी आपस में जदोहद यहाँ पर आपस में स्टूडेंट कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर के आपसी। ये बड़ी खुशी मिलती है छात्रों को जब आपस में ऐसी जिद लगाते हैं। वो उसको कहता है, वो उसको कह रहा है, आपस में एक दूसरे पर रीजन निकाल रहे हैं। जब जैसे ही ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से जदोहद आपसी और लड़ नहीं रहे हैं आपसी। ये जीतने के लिए कई बार छात्र छात्राएं उत्तेजित हो जाते हैं। संयम और सहनशीलता एक खिलाड़ी का एक गहना होता है। कहते हैं कि जिस खिलाड़ी के अंदर संयम और सहनशीलता भी होनी जरूरी है, जिसके अंदर सहनशीलता और संयम भावना होती है वो उसको मैच में कोई हरा नहीं सकता, वो विजयी होता। उसको संयम का जो बांध होता है वो नहीं तोड़ना चाहिए। और चलिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर छात्र छात्राएँ जो खेल खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा मनोरंजन भी कर रहे हैं इसके माध्यम से। और जो ये हर शनिवार को इस प्रकार की टूर्नामेंट होती है, एक बार दिखाना चाहेंगे। गिर चुका था खिलाड़ी लेकिन उठ चुका दोबारा से फिर। और देखिए ये आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं इसमें नहीं आ गोल। नीली जो ड्रेस है वहाँ पर जो खिलाड़ी जो खड़ा उसने उस बॉल को पकड़ लिया है। और अभी देखते हैं दोबारा फिर टीम अपनी अपनी जगह पर तैनात हो चुकी है। और अभी फिर स्टार्ट हो चुका है दोबारा से। और ये देखिए ये टीम इस दोबारा से इस गोल को वहाँ पर ले जा चुकी है लेकिन ये बाहर निकली है। और ये पॉइंट मिल चुका है लगभग, दिखाना चाहेंगे एक बार। अब यहाँ से नीली जो ट्रैकसूट जो ड्रेस जो पहनी हुई है टीम, इसको यहाँ से फिर मौका मिला है। और जो ये बॉल रखी है इसको वहाँ पर गोल देना है, ये दिखाना चाहूँगा एक बार। ये देखिए ये नहीं दे पाई दोबारा से फिर, ये निकल चुकी है टीम। और देख
दोनों टीम एक एक पर बराबर पर चलती हुई। अभी तक लगभग 9-10 मिनट हो चुकी हैं, लेकिन दोनों को जो टीम का यदि आंकड़ों की यदि बात करते हैं, स्कोर की यदि बात करें, दोनों टीम अभी बराबर ही हैं, एक एक नंबर हुआ दोनों का। देखिए किस प्रकार से ये पूरा मैच हम दिखाना चाहेंगे आप सभी दर्शकों को। अभी केवल और केवल एक नंबर दूसरी टीम का हुआ है और एक नंबर पहली टीम का। दोनों टीम आपस में खेल रही हैं, अभी देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर विजयी हो पाएगी इस खेल के अंदर। और इंट्रामुराल फुटबॉल टूर्नामेंट हर शनिवार को चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर यह कार्यक्रम करवाया जाता है। आने वाले जो इनका जो एक सब्जेक्ट होता है, जो पढ़ाई के क्षेत्र में कहें, शिक्षा के क्षेत्र में कहें, उसी का एक पार्ट होता है इंट्रामुराल फुटबॉल टूर्नामेंट। उसी के आधार पर यह प्रैक्टिकली करवाया जाता है। यहाँ पर कहते हैं ना कि थ्योरिकल जो नॉलेज होता है उसको प्रैक्टिकली भी जरूरी होता लेने के लिए, तो यही वो कार्यक्रम है। प्रैक्टिकली ग्राउंड पर यह फुटबॉल जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इसकी थ्योरिकल पर भी पढ़ाई होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हर शनिवार को चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर यह कार्यक्रम इंट्रामुराल फुटबॉल टूर्नामेंट का जो कार्यक्रम है ये यहाँ करवाया जाता है। अभी ऑफिशियल है, उनसे अभी बात करेंगे हम, इसके बारे में पूरी जानकारी हम ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे किस तरह का आगे आने वाले भविष्य में इसकी जरूरत पड़ती है, क्या इसका फ़ायदा है, किस प्रकार क्या ओलंपिक में भी इसको इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या कॉमनवेल्थ गेमों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कितना उज्ज्वल भविष्य है इस खेल को लेकर के, कहाँ जरूरत पड़ती है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये गोल दे दिया है इस टीम ने, बड़ी खुश है, लाल जो ड्रेस पहनी है इस टीम ने। और अभी जो स्कोर है वो 2-1 का हो चुका है। लाल जो ड्रेस पहनी है उस ड्रेस के 2 नंबर हो चुके हैं और नीली जो ड्रेस है इसका 1 नंबर हो चुका है। अभी दोबारा से फिर स्टार्ट हुए हैं और ये देखिए अभी जो दर्शक यहाँ पर बैठे हैं, अन्य जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी हम जैसे अभी बात करेंगे, वो जो अभी उनका भी टूर्नामेंट होने वाला है, अभी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये बैठे हैं अन्य जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर। सॉन्ग बंद कर दो एक बार। और आपका भी मैच अभी आने वाले इसमें, इसके बाद आपका मैच भी है क्या? अच्छा, कहाँ आप ही हैं, यूनिवर्सिटी से हो? और कैप्टन कहाँ आपका? अच्छा अच्छा, चलिए। क्या हर शनिवार यह टूर्नामेंट होती है यहाँ पर? जी, आपकी तैयारी कैसी है इस मैच को देख करके? पहला मैच हुआ अभी आज के दिन या शनिवार को, आपकी तैयारी कैसी है? चलिए बढ़िया। अभी ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक हैं, फिर और जो टीम बैठी है उनका भी मैच होने वाला है, वो भी हम दिखाएंगे यहाँ पर। और भी जैसे दर्शक बैठे हैं, साथी हैं, अभी ये भी कह रहे हैं कि इनका भी मैच होने वाला, आपका भी भाई साहब, आपका भी मैच होने वाला इसके बाद, आपकी तैयारी कैसी है? चलिए भाई जी, भाई साहब आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही है? मैच को आनंद ले रहे हैं आप जी, मैच के बाद देखा, कैसी तैयारी आपकी? मैच का इंतजार है, बस मैच का इंतजार है। देखिए खिलाड़ी कह रहा है कि हमें सिर्फ मैच का इंतजार है कि कब हमारा मैच होगा, और हाफ टाइम उस मैच का जैसे दिखाना चाहूँगा कि अभी जो स्कोर है 2-1 का जो स्कोर है, हाफ टाइम हो चुका है, वो टोटली जो प्रक्रिया ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और अभी जो छात्र छात्राएं जो बैठे हैं इनका भी मैच होने वाला, पूछ लेते हैं इनसे कि इनकी तैयारियां कैसी हैं मैच को लेकर के। जी भाई साहब कैसे हो?
बढ़िया। आपकी तैयारियां कैसी हैं? अभी आपका मैच होने वाला शायद, आप सर्कल कबड्डी को? आप जी भाई साहब सर्कल कबड्डी का मैच आज ही है और आपका कब है? अच्छा वैसे देख रहे हैं या फिर मैच को देख रहे हैं? जी आपका बहन जी इसके बाद आपकी तैयारियां कैसी हैं? अच्छा अच्छा चलो वैसे देख रहे हैं भाई दर्शक हैं इनका अभी है नहीं, एक टीम और बैठी है इनसे बात कर लेते हैं अभी। अभी हाफ टाइम है तो सोचा इतने दर्शकों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इनसे ये जो पूरी की पूरी जो टीम छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी सभी को नमस्ते जी, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? अभी इसके बाद आपका भी मैच होने जा रहा है, कैसी तैयारियाँ आपकी? बहुत अच्छी है जी हमारी। और गोल्ड है सर हमारा इसमें, गोल्ड है बिल्कुल। ये इंट्रामुराल टूर्नामेंट एक बार ग्राउंड में डाल के सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। अभी जैसे हाफ टाइम हो चुका है यहाँ पर और हर शनिवार को चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर यह कार्यक्रम होता है। अभी जो सीजे हुए टीम बैठी है अभी इनके बाद इनका मैच होने वाला, क्या कहना चाहेंगे? पहला जो मैच कैसा चल रहा है और आपकी तैयारी कैसी है, आपका आत्मविश्वास मनोबल कैसा है अभी मैच को देख करके? अगला मैच इससे भी ज़्यादा रोमांचक होगा, हम गोल्ड ले गए हैं जी। देखिए इस छात्र का कितना कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है, ये कह रहा है कि हम गोल्ड लेकर के आएंगे, काफ़ी अच्छा मनोबल बढ़ता है ऐसे में जी। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि अभी हाफ टाइम है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।